नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज। यूपी के मिर्जापुर में 4 माह से यातायात विभाग में ड्यूटी करने के बावजूद वेतन न मिलने से बेहाल पीआरडी के जवानों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन को पत्रक सौंपकर आर्थिक तंगी से उबारने की मांग की है। वेतन न मिलने के कारण उन्हें तमाम शिकायतों से जूझना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर पहुंचे जवानों ने बिना किसी हंगामा या नारेबाजी के अपनी बात रखते हुए वेतन दिलाए जाने की मांग की है। मिर्जापुर से गुप्तान अहमद की रिपोर्ट। क्या है आप लोग एडीएम कार्यालय आए हैं? समस्या तो हम लोगों की 4 महीने से यातायात शाखा में ड्यूटी कर रहे हैं और बड़े बाबू कहते हैं ये बजट नहीं है, ये है वो है, केवल परेशान कर रहे हैं और हम लोग का तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। किसके जवान हैं आप? हम लोग पीआरडी के जवान हैं। कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? सर 75 लोग हैं यातायात में लगे। अच्छा, सबका रुका हुआ है। कितने देर ड्यूटी होती है आप लोगों की? ड्यूटी हम लोगों की 8 घंटे की होती है। क्या मांग कर रहे हैं एडीएम साहब से? एडीएम साहब से यही कह रहे हैं कि जब विभाग नहीं सुन रहा है, तनख्वाह नहीं दे रहा हम लोगों का, तो वही के संबंध में मांग करने आए हैं।